नमस्कार आदादी बच्चा न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है आज सोलापुर शहर के शासकीय रुग्णालय छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपचार केंद्र जहां पर सोलापुर शहर का एक ऐसा सरकारी अस्पताल है जहां पर एक ऐसे कोरोना योद्धा से आज हम बात करेंगे जो सोलापुर शहर के अंदर जहाँ भी हो सोलापुर शहर हो या सोलापुर के आसपास जितने भी इलाके हो या सोलापुर पूरा ज़िला हो हर किसी गरीब की आवाज़ हर किसी गरीब व्यक्ति की आवाज़ दिल की धड़कन जो बनती है ऐसे कोरोना योद्धा से आज मिलने जा रहे हैं जिनका नाम है बाबा मिस्त्री के नाम से जो जाने जाते हैं असल में उनका नाम जो है मौलाली बादशाह भाई सैयद है लेकिन आज पूरे सोलापुर में सिर्फ़ और सिर्फ़ बाबा मिस्त्री के नाम से जाने जाते हैं आज हम उनसे बात करेंगे कोरोना वायरस जो विश्व की सबसे बड़ी बीमारी थी उस बीमारी के अंदर इनको कितनी लोगों के साथ दिक्कतें आई और कितने सारे लोगों जो है इस बीमारी से दूर भाग रहे थे लेकिन एक ऐसे वॉरियर्स हैं जो कोरोना वायरस कोरोना वायरस की जो बीमारी थी इस बीमारी के अंदर जो है अपना सै स्या, संयम बनाकर लोगों तो, लोगों को जो है अस्पताल तक लाने में जिम्मेदारी जो है निभाई है उसके बारे में हम पूछेंगे बाबा मिस्त्री साहब सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले आप ये बताइए कि इस कोरोना बीमारी के अंदर जैसे ही हमारे हिंदुस्तान के अंदर पहला पेशेंट निकला या सोलापुर शहर के अंदर जब पहला पेशेंट निकला तो लोग जो है डर भयभीत होकर घरों में बैठे थे तो उस वक्त जो है घर से बाहर नहीं निकल रहे थे तो उस वक्त आपको प्रशासन ने जो ये कहा था कि आप उन लोगों को जाकर कन्विंस करें तो उस वक्त आपको कैसी दिक्कत महसूस हुई शोलापुर शहर के अंदर पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के अंदर जो महामारी का कहर पूरी तरफ़ छा गया था वैसे माहौल के अंदर शोलापुर हमारा ग्रीन जोन में था शोलापुर में एक भी पेशेंट नहीं था इसके लिए हम बहुत खुश थे तमाम लोगों को उनका डर भी उड़ कर गया था और यकीन था कि बाबा मैं सोलापुर में नहीं आएंगे बोलकर जब ये ऐसा लोग इतना बेफिक्र थे सोलापुर के कि सोलापुर में ग्रीन बेल्ट है ग्रीन जोन है इसके लिए एक भी पेशेंट अभी तक नहीं आया ऐसा बर्फ़ बहुत खुश थे लेकिन 12 अप्रैल को पहला फैशन सोलापुर में निकला वो निकलने के बाद उसकी मैत भी हो गई पहला पेशेंट निकला और वो डेट हो गया डेट होने के बाद मैयत होने के बाद जब लोगों में सोलापुर शहर में बहुत बड़ी घबराहट हो गई इतनी घबराहट हो गई कि उसकी हालत कुछ मत कि एक दूसरे को पहचानने के लिए तैयार नहीं था एक कॉम दूसरे कौम को नगीच नहीं आ रही थी इतना एक सन्सनाहट हो गया था कि हम समझे कि शोलापुर के हाल क्या होंगी जब रात को साढ़े बारह एक बजे हमने उसकी पहली मैत की जब मैत करने के बाद उसके पूरे रिलेटिव क्वार के अंदर थे एक भी रिलेटिव यहाँ पर नहीं था तो उस टाइम पे हम खुद जाकर मैं इब्राहिम मौलाना हमारे जमितम के सदर हैं उनको हमारी टीम लेकर रात को साढ़े बारह एक बजे कलेक्टर का मेरा पुलिस आयुक्त महानगर पालिक कमिश्नर के साथ बैठक किया बैठक करने के बाद भाई ये मैय हम खुद करते और कलेक्टर साहब बोल रहे थे कि मुंबई के अंदर ऐसा उद्योगी के अंदर डाले सो है बोले तो नहीं साहब इसको दफनाने का हम करेंगे ताकि लोगों के दिलों में का डर उड़ जाएगा इसके लिए हम रात को साढ़े बार एक बजे और डेड बॉडी ले जाकर जैसा इस्लामी धरे किसी करते हैं हिसाब से हमको दफनाएं दफनाने के बाद भी लोगों में इतनी घबराहट पसर गई कि उसकी कोई हद हाँ नहीं तो हम लोगों को समझा रहे थे कि भाई कोरोना से डरो मत और इससे कुछ होता नहीं तुम तो भरोसा रखो अपने खुदा के ऊपर अपने भगवान के ऊपर क्यों ये कोरोना जो है आकर चला भी जाएगा लेकिन आपको समझ में आना नहीं लेकिन तुम डरेंगे तो कोरोना से मर जाएंगे ऐसे अच्छा हम लोगों को समझा समझा कर, कर कन्वेंस करते थे पूरे लोगों को काउंसलिंग करते थे हम कि पेशेंट क्या है ऐसी पोजिशन थी कि यहाँ जो कोरोना के बॉडी आने के बाद मतलब कोरोना के पेशेंट आने के बाद उसके घर में एक निकला तो आजूबाजू के लोग भी उसको देख कर निकल कर जाते थे उसको कितने दिन तो बात भी नहीं करते थे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे ऐसे भी घटना घटित सोए हम लोगों को जाकर बहुत समझाते थे ऐसा नहीं है ये बीमारी से कोई मरता नहीं है लेकिन इसके अपने को इसकी जो जो शासन ने जो अपने को कुछ प्लानिंग दी सोए वो प्लानिंग के हिसाब से रहेंगे तो कुछ भी नहीं होता है समझा समझा लोगों की डर उड़ाने की कोशिश करें हम तो फिर भी लोगों को डर नहीं उड़ाता फिर मैं एक दिमाग में ये डाला कि अपन खुद Without PPKit, विदाउट ग्लोव विदाउट मास्क से क्या क्या एक डेड बॉडी के अंत्य विधि किया मैंने वो उद्योधनी में डाला और वो पूरी कैशेट काट कर, कर पूरे चैनल पे दिखाया पूरे चैनल पे दिखाने के बाद लोगों में से थोड़ा 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 डर उड़ गया कि वो जब कोरोना जब है अगर एक दूसरे का लगता होंगा या तो अपने को तकलीफ होती होंगी इसकी तो फिर ये बाबा मिस्त्री ये वो लादेन हो या बहुत से लोग जो है ना सिविल में रहते उन्होंने पेशेंट साथ फिरते डेड बॉडी की मैयत करते उनको क्यों नहीं होता ये लोगों ने सोचने का शुरुआत किया फिर तो वहां से जो डर लोगों को ना उड़ते गए आहिस्ता आहिस्ता फिर लोग काम को जुड़ते गए पहले पहले महीने तो पहले एक महीना तो इतनी तकलीफ है हमको कोई नगीज भी नहीं आता था कोई काम भी नहीं करता था मैं भी अगर किसी को मिलने गया तो लोग मेरे से भी तीन चार फुट दूर रहते थे कि ये आदमी हमें शिविल में रहता इसी काम को कोरोना को। मेरे से भी दहशत हुई मेरे घर से भी मेरे को तकलीफ हो गई बहुत से लोगों से तकलीफ हो गई लेकिन देखो अपने को अल्लाह के भरोसा है और अपने को मालूम है कि इसमें कुछ होता नहीं जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है जिसका हौसला बुलंद है मुझे कुछ नहीं होता ये सोच चलेंगे तो इसके लिए हमको अभी तक तो कुछ हुआ नहीं और इंशाला होने वाला भी नहीं है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कोरोना में कुछ सीखने मिला आप लोगों को कुछ सीखने मिला अपना कौन है और पढ़ाया कौन है यह सीखने मिला हमको ताकि हाई ऐसी पोजीशन थी बाप बेटे से दूर जा रहा था बीवी अपने शोहर से दूर जा रही थी इतने से पड़ोसी पड़ोसी को पहचान नहीं रहा था ऐसे हालात में हमने बहुत कुछ काम किया हमको प्रशासन ने बहुत मदद की जब सिविल हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट आने का शुरू हो गए प्राइवेट दवाखाने पूरे बंद थे कोई पेशेंट को लेने को तैयार नहीं था पूरा लोड शिव को सिविल हॉस्पिटल पढ़ रहा था यहाँ डॉक्टर कम और पेशेंट ज़्यादा होने लगे हमने आवाज़ उठाई भाई अगर तुम प्राइवेट दवाखाने नहीं खोलेंगे तो रोज के तीस नहीं पचास नहीं रोज की तीस चालीस नहीं सौ सौ लोग मरेंगे ऐसे हालात हो जाएंगे जब हम आवाज़ उठाने के बाद फिर जिलाधिकारी बाकी लोग पालक मंत्री मीटिंग लेकर फिर जब प्राइवेट हॉस्पिटल को खोलने की परमिशन दे, और उनको टाइट करे, जब जाकर पेशेंट जो है ना डिस्ट्रीब्यूट होने के चालू हुए डिस्ट्रीब्यूट होने के चालू फिर उसमें थोड़ा थोड़ा कम होते गया एक महीना तो दवाखाने खोले न थे एक महीने के बाद दवाखाना खोले एक डॉक्टर माकम बोल के मेरा दोस्त है उसकी उसके पिताजी का इंतकाल हुआ था इंतकाल होने के बाद उसकी माँ को यहाँ एडमिट करने का था दवाखाने में एक डॉक्टर की माँ को भी दवाखाने में एडमिट कर को नहीं ले उस टाइम पे कि वो हमारे पास नहीं लेते बोल को उसको मालूम है सिविल में फुल है तो बेचारा यहाँ से पुनः लेकर गया ऐसे हालात देखने के बाद हमको रहा नहीं गया हम जिलाधिकारी गेट सामने आंदोलन करें जिलाधिकारी को और बालक मंत्री महानगर पालिका कमिश्नर इनको मजबूरन सब हॉस्पिटल चालू करने के की परवानगी देनी पड़ी और जाकर हॉस्पिटल पे नोटिस और केस करने के बाद जब हॉस्पिटल चालू हुए जब जाकर पेशेंट की कमतरता आई ये कोरोना महामारी के अंदर अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल अगर स्टार्ट में जब खोले होते तो शोलापुर में इतने पेशेंट नहीं बैठे मुझे ऐसा लगता है आज जो मर रहे हैं ये जितने भी पेशेंट ये उनको दूसरे भी बीमारी से मर रहे हैं किसको किडनी का जा बीमार है किसको ब्रेन का है किसको हार्ट का प्रॉब्लम है किसको पैरालेज आकर जाता है ऐसे बहुत से पेशेंट जो मर रहे हैं जितने भी कोरोना में हम रोज के दो चार बोडा मेहनत करते हैं मालूम है ये सब अलग करना चाहिए मर रहे हैं लेकिन वो पॉजिटिव आ रहा पॉजिटिव आ रहा आज भी हालत ऐसी है अभी तक तो मैयत करते थे जब भी दे, ब्रॉड डेट आता ब्रॉड डेट की मैयत के हम शॉप नहीं लेते थे, थे उसको छाती का एक्सरे काट कर उसको हम ताबड़ तो पी एम करते थे या तो बॉडी देते थे, थे हैंडल करते थे लेकिन अब 10 बारह दिन हुआ नवा कायदा ऐसा आया कि जो भी आएगा एक्सीडेंट हो या तो फांसी लो या तो अटैक हो या तो साफ चावे या तो, तो एक्सीडेंट हों कुछ भी होंगे वो पेशेंट अगर मैयत तुम्हारे पास आया तो उसका शॉप लेना अब उसका शॉब ले तो उसको कमरीबन नहीं करते भी पाँच छः आठ दस घंटे उसकी रिपोर्ट आने जाते जब तक नाते वह क्या तत्काल बचते ये शासन जरा इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि इसका ये जो कायदा पहले नहीं था अभी दस बारह दिनों कायदा आकर ये कायदा पीछे देना जरूरी है और जो पेशेंट को अभी होम क्वारंटन करते थे पहले अब होम क्वारंटाइन सुधा शुरू करे पहले नहीं करते थे लोगों में भयभीत थी इसके लिए रैपिड टेस्ट भी लोग नहीं कर रहे थे अगर मेरे घर में एक भी पॉजिटिव आया तो मेरे पूरे घर बार को लेकर जाकर वहाँ रखते बोलकर ये लोग डर को भाग रहे थे और बहुत से लोग जो है ना डर कर मर रहे थे और दवा खाने को नहीं जा रहे थे ये भी गलत है लोगों का मैं लोगों को हमेशा आह्वान करते का भाई तुम करोना से डरो मत करोना से कोई मरता नहीं लेकिन तुम्हारे खुद के जान से तुम्हारे निमोनिया है ये छाती के अंदर निमोनिया होता होगा तो फिर वो जब बढ़ गया तो उसको कोई बचा नहीं सकता इसके लिए तुम पहला छाती का एक्सरे करो सीटी स्कैन करो सीबीसी करो ताकि अपनी बीमारी क्या है पचास साल के सोलह दवाखाने महानगर साल के, महानगर के ही सिविल को आने के लिए लोग डरते लेकिन सोलह महानगर पालिका दवाखाने अंदर सो है वहां जाकर एक्सरे करना जरूरी है क्योंकि एक्सरे करे तो समझ में आता है उसको निमोनिया अगर थोड़ा भी

तो डीन ने मेरे को बोला ठीक है हम पेपर में भी दिए जो तमाम लोग जितने शोलापुर के हैं जो 50 साल के ऊपर के लोग हैं वो शिविल में आकर अपना फ्री ऑफ चार्ज उन्होंने एक्सरा सी बी सी और सी टी स्कैन फ्री कर बोलो बोलकर तो भी लोग मेरे ख्याल से पच्चीस से तीस लोग हैं इस पूरे शोलापुर के अंदर से लोग नहीं है इतना तो लोग में भयभीत थे और लोग डरे थे लेकिन डरने की सर को कोई कोई भी बात नहीं है देखो अपना संरक्षण करना अपना कर्तव्य है तो इसके लिए हर आदमी जो है ना इसके अंदर एक्सरे और सी टी स्कैन करना बहुत ज़रूरी है अभी तक तो जितने भी पेशेंट मरे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा निमोनिया के मरे हुए हैं निमोनिया से जम और निमोनिया ये आज की बीमारी नहीं है बहुत साल से भी निमोनिया की बीमारी है लेकिन इसमें सब में पहले आज वो वायरल रहने से वो निमोनिया को भड़का कर बढ़ा रहा बढ़ाने का काम करता था उसको रोकने के लिए अपने हाथ में दवा है अपने हाथ में ताकत है कर सकते वो और गर्म पानी और काढ़ा ऐसे बहुत से उसके पर्याय इलाज भी हैं लोग उसको कर सकते ना लेकिन कब तुमको मालूम पड़ने के बाद कि मुझे निमोनिया है लेकिन लोग डर कर नहीं जाते थे लेकिन अब हल्लू हल्लू लोग जो ना दवाने तरफ़ बढ़ते जा रहे हैं मैं तुम्हारे चैनल के चैनल खत्म होता तो है कि के तो उसका वहाँ के वहाँ मैं में बड़ी बात नहीं करता हूं बहुत से पेशेंट को मैं इसके अंदर से बचाए लाऊ अल्लाह का फजल करम से कैसा है बहुत से पेशेंट मेरे पास आने के बाद ताबड़तोब सी सेन एडमिट हो जाओ यहां एडमिट हो वहां एडमिट हो पेशेंट जाकर घर को जाकर अच्छे हुए अब लेकिन ये क्यों मालूम पढ़ा ना उनको आजार क्या है अभी तक तो नहीं मालूम होता था लेकिन मालूम पड़ने के बाद अच्छे होकर गए तो ये लोगों की लोगों की सोच जो है ना बदलना जरूरी है बीमारी तो ये आती रहती जाती रहती है लेकिन अपने में अपने खुद को अच्छा रहना पड़ता है और सब में पहले भाईचारा बहुत ज़रूरी है एक दूसरे में दो हर समाज के अंदर हर समाज से भाईचारा होना जरूरी है स्टार्ट के कोरोना काल में बहुत तकलीफ़ी सब हमको भी कि एक दूसरे समाज के ऊपर चिक्कर उड़ा रहे थे लेकिन मैं एक बंदा था मैं उन्हें उसको खोड़ को काटूंगा बोला इसके लिए मैं मैदान में उतरा बेलॉस रात और दिन काम किया ताकि ये समाज के पूरे कलंक हटाने के लिए और आज हट गया सब लोग अपने अपने जगह हैं और फर्स्ट क्लास काम चल रहा है और हमारे हॉस्पिटल में तो इतना अच्छा काम करते हैं। सिविल के अंदर डॉक्टर हमारे रात और दिन काम करते हैं मेहनत करते हैं पेशेंट को अच्छा होने का काम करते हैं शासन का मैं मानता हूं शासन पूरी तरह मदद नहीं करता मैं शासन को भी विनती करता हूँ और कई बार तो मैं शासन का भी निश्चित किया हूँ कि जब हम देखते हैं हमारे आंखों के सामने जब लोग मरते हैं तो उनको इलाज भी होना ज़रूरी है ना इसके लिए हम कई बार शासन के भी खिलाफ़ बोले डॉक्टर के खिलाफ बोले बहुत जिनके खिलाफ़ कितने अच्छे मेरे डॉक्टर थे आज हमारे साथ बात भी नहीं कर रहे हो बाबा मिस्त्री हमारे खिलाफ़ बोलता है। बोलकर लेकिन जब हम खुद देखने के बाद इन को देखे जाते ना इसलिए आज जो करोना के अंदर जितने भी लोग बाद में काम करने लगे मैं खरज खर उनका मुबारकबाद देता हूँ जितने भी आपसे आप जैसे पत्रकार लोग भी हैं बहुत हमको मदद करे उस काम के अंदर और शोलापुर आज जाकर कहीं तो आहिस्ता आहिस्ता अपने पटरी पर आ रहा है ग्रामीण में बढ़ रहा था ग्रामीण में हल्लू हल्लू आ रहा है इनशाला आने वाले कुछ दिनों के अंदर शोलापुर नील होंगा ऐसा मुझे लगता है बाग मिस्तरीक साहब जो है सोलापुर शहर के अंदर सिर्फ कोरोना वायरस के बारे में ही नहीं लड़े बल्कि जो है कोरोना वायरस से पहले पिछले पंद्रह या बीस सालों से बाबा मिस्त्री साहब जो है सोलापुर ज़िले के तमाम गांव हो तमाम शहर हो सारे तालुके के हो और पूरी सिटी हो सोलापुर सिटी के लिए सिर्फ कोरोना बीमारी के लिए नहीं बल्कि दूसरे और कोई भी जो बीमारियां होती थे हादसे होते थे, थे कहीं पर एक्सीडेंट होता था तो उस वक्त सबसे पहले जैसा ही सिविल के अंदर पेशेंट लाया जाता था तो उस वक्त लोग बाबा मिस्त्री को नाम को याद करते थे ऐसा लोगों के अंदर आपने ऐसी कौन सी छवि छोड़ी जिसके कारण जो है लोग आपका नाम लेने पर मजबूर होते थे साहब जो करता है उसको बोलते जो करता है उसको बोलते जो नहीं करता उसको नहीं बोलते आप मैं सत्रह से अठारह साल से मालूम है लोगों को मैं मैरीजों का काम करता हूँ इनके पेशेंट का काम का करता हूँ रुग्ण का काम करता हूँ बोलकर लोगों को मालूम है इसके लिए आज बड़ी बात नहीं करता हूँ बड़े बड़े आमदार हो या तो बड़े बड़े नेत हो भी उन्होंने मुझे फ़ोन करते कि बाबा माजा एक पेशेंट पाटूल जड़ा भगन गया बोलकर ये इसी बढ़ बढ़ कर क्या होना मैं बहुत खुश नसीब हूँ साहब अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि मुझे ये मुकाम पर ला के ठहरा कराया मुझे मुझसे काम ले रहा मुझसे काम नहीं रहा और मैं ये काम इस मैं ये काम इसलिए नहीं करता कि मुझे कोई पुरस्कार दे या तो मेरा कोई नाम बड़ा करे मैं नहीं ये बेलॉस अपना काम करने का है, मकसद अच्छा है ये अल्लाह खुश करने का काम है ये हर इंसान हर धर्म के इंसान को हर जाति के लोगों को मदद करना मेरा फर्ज़ है तो आज तक हम करते हैं सोए है, इसके बाद भी जब तक हमको ताकत दिया अल्लाह जब तक हम करते रहेंगे काम बाबा मिस्त्री साहब इसी कारण लोगों के दिलों के अंदर राज करने के कारण पिछले चार सालों से महानगर पालिका में नगर सेवक के एसएससी भी काम कर रहे हैं इसी काम को देखते हुए जो है कांग्रेस पार्टी ने इनको जो है विधानसभा की सीट 2019 में जो इलेक्शन हुआ हमारे असेंबली इलेक्शन उस वक्त तो जो है विधानसभा की सीट भी इनको दी थी लेकिन चंद वोटों से जो है ये गिर गए थे बाबा मिस्त्री साहब जो एक आखिरी सवाल है मेरा ये सवाल है कि आपको जो है दक्षिण सोलापुर से जो है विधानसभा की सीट दी गई थी तो उस वक्त जो है पार्टी संगठन की वजह से आपको वोट्स का दबाव कम पड़ा या किसी समाज का या समाज के सारे लोगों ने मिलकर जो है आपको वोट कम दिया या पार्टी के संगठन ने मिलकर जो है आपका काम नहीं किया जिसके कारण जो आप इतने वर्चिस्त नेता रहते हुए भी आप दो नंबर पोजिशन पर आ गए इसकी वजह क्या है देखो मेरे सामने एक दिग्गज मिनिस्टर थे रनिंग मिनिस्टर थे वो मंत्री रहने के बावजूद भी एक मेरे सर का सादा कार्यकर्ता मैं मेरे को जो वोट पड़े पूरे हर धर्म के हर समाज के लोग मुझे वोट डाले सोए मैं एक धर्म को नहीं बोलता हूं, हर धर्म के लोग मुझे वोट डाले सोए मेरे वोट जो अट्ठावन हज़ार तक मत मुझे लेकर गए पूरे दक्षिण तालुके के अंदर उसमें हर धर्म का हिस्सा है उसके अंदर क्यों कि एक समाज सेवक है बोलकर लोग मुझे वोट देश सो है एक सामाजिक कार्यकर्ता है और अच्छा आदमी है बोलकर लोगों में लोगों में खुद मैं जहाँ भी जाता था गाँव में तो मेरा लोग रास्ता दिखते रहते थे, थे बाबा कब आता बोलकर वहाँ हर धर्म का आदमी था ब्राह्मण भी था वो लिंगायत भी था वो भी था दलित भी था हर धर्म का आदमी मुझे वोट देखने तरह से जाने के बाद मुझे सौ रुपये रखते थे हाथ में मेरा और उन्हें तुम्हारा मतदान करना बन जाता इतनी ये जो मेहनत है साहब ये जो अपन अठारह सत्रह अठारह साल से जो काम कर रहे ना इसका नतीजा वो अपने को देखने मिला विधानसभा के अंदर मैं किसको दोष देता नहीं कोई काम करे नहीं करे वो अपने को लेना देना नहीं है अपने नसीब में जो है वो मिल को रहता जो नहीं है नहीं मिलता लेकिन मैं बहुत खुश खुश नसीब हूँ कि सोलापुर में एक मुस्लिम के आदमी को मुस्लिम को आदमी को इतने बड़े ओर से नवाजगह अट्ठावन एकवन जार मत देना कोई मामूली बात नहीं है साहब कई एक लोग जो है देखे इलेक्शन लड़े कितने लोग दस दस को बीस बीस को खर्चा करे कहाँ जा कर पहुंचे देखो अपने सामने मैं मेरे पास कुछ भी नहीं था मैं झूले लोगों फिरा और अल्लाह मेरे को ये लोगों के दिलों में राम डाली आज पूरे दक्षिण अड़ुस खेड़े के अंदर से लेकर मेरे को इतने मतदान मिले जैसा सिटी में आने के बाद मैं पीछे पड़ा ग्रामीण में तो लीड था मैं लील स्थान साहब लोगों का ये भी कहना है कि जैसा कि आपने बताया कि लोगों ने आपको जो मदद की काश वो पार्टी ये सोचती कि अगर आपको मध्य से देती तो काश आप बगैर किसी हिचकिचाट के जो है आप जीत जाते थे लोगों का ऐसा कहना है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है देखो मेरा कार्य क्षेत्र मध्य नहीं है मेरा कार्य दक्षिण सोलापुर मेरा प्रभाग भी दक्षिण सोलापुर में, वो में, में है वो हिसाब से मैं दक्षिण में खुद टिकट की मांगनी कर रहा मैं मध्य में टिकट की मांगने नहीं किया था मैं दक्षिण में मांग नहीं कियाता हूँ टिकट की लेकिन लोगों का ऐसा कहना है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर आप सेंट्रल से अगर आप सीट मांगेंगे तो लोग जो है आपका जिस तरह से दक्षिण में काम किया गया उत्तर में सेंट्रल uh, में भी काम होगा ऐसा लोगों की उम्मीद है क्या आप पार्टी को आगे आगे चल कर जो ऐसी ख्वाहिश करेंगे कि मुझे सेंट्रल से सीट दें पार्टी जो बोलेंगे वो काम करेंगे पार्टी बोले उधर जाकर ठहरे उधर जाकर ठहरेंगे बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जो है आज आजादी बच्चा न्यूज़ में बाबा मिस्त्री ने जो अपनी व्यक्तिगत राय रखी इस तरह से जो है आज हम उनका धन्यवाद करते हैं और कोरोना वायरस के लिए जिन्होंने इतने बड़े वॉरियर्स हमारे सोलापुर शहर के हैं उनको हम आजादी बचाओ न्यूज चैनल की तरफ से सल्यूट करते हैं इसलिए मैं आकिब मड़की और कैमरा मैन पटेल के साथ जय हिंद जय महाराष्ट्र आजादी बचाओ न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले साथ ही साथ लाइक करें और शेयर भी करें